नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वेदना कुमारी है। मैं हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग के रूप में कार्य कर रही हूँ। वहाँ पर मैं सोयाबीन का जिनकी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का कार्य देख रही हूँ। यदि हम हिमाचल प्रदेश में सोयाबीन की बात करें तो हालांकि हिमाचल प्रदेश में सोयाबीन में एरिया कम है, लेकिन वहाँ के किसान इसको सोल क्रॉप के साथ साथ एक मिक्स्ड क्रॉप मक्की के साथ भी लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में सोयाबीन की बहुत ही अच्छी अच्छी किस्में विकसित की गई हैं। सबसे पहली किस्म हिमाचल प्रदेश में हरा सोया की है। हरा सोया एक ऐसी किस्म है जो 2000 में विकसित की गई है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये टोफू के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें जो बीनी फ्लेवर वाला जो एक स्मेल आती है सोयाबीन से, सोयाबीन के दूध से, वो इसमें लिपोक्सिजनेज जो है वो इसमें बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये इंडिया की ऐसी प्रथम किस्म है जिसको सीड क्रॉप और फूड क्रॉप और द टेबल क्रॉप के रूप में भी काम में लाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि इसको हरी सब्जी की तरह, जैसे हरे मटर उनकी तरह इसकी सब्जी भी बनाई जा सकती है। हरा सोया के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में अन्य किस्में जैसे कि पालम सोया जो 2001 में विकसित की गई थी, फिर हिम सोया जो 2005 में विकसित की गई थी, उसके बाद पालम अर्ली सोया वन जो 2012 में विकसित हुई, और अभी हिमसो 1685 जो 2020 में हिमाचल प्रदेश के लिए विकसित की गई हैं। ये हिमाचल के लिए बहुत ही अच्छी किस्में जो हैं वो सिद्ध हुई हैं। इसमें पालम अर्ली सोया वन एक ऐसी किस्म है जिसको या तो प्योर फसल सोयाबीन की फसल के रूप में और साथ में इसको इंटरक्रॉप मक्की के साथ अंतर फसली फसल के रूप में भी इसको उगाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के किसान सोयाबीन को ज़्यादातर जैसे गेहूं के आटे में पिसवा के उसका सेवन करते हैं। इसके साथ में उसको एज अ पोल्ट्री फीड, एज एन एनिमल फीड भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में कोई भी इतनी अच्छी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे इसको प्रोसेस किया जा सके, इसलिए वहाँ के किसान इसको इन्हीं तरीकों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त सोया टोफू बहुत ही मशहूर होता जा रहा है, और सोया चाम और सोया स्नैक्स, ये सभी सोया के इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आजकल स्पेशली सोया चाम्प हर शादी समारोह में इसको बांटा जाता है, इसको खिलाया जाता है। सोयाबीन का हिमाचल प्रदेश में बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि ये गांव के लोगों के लिए या किसानों के लिए ये बहुत ही अच्छी प्रोटीनिशियस, बहुत ही क्वालिटी दाल के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो बहुत ही उपयोगी है तेल के लिए भी और प्रोटीन के लिए भी। इसमें बहुत अच्छे विटामिन्स पाए जाते हैं, और स्पेशली औरतों के लिए, जैसे 50 साल के ऊपर औरतों में जैसे अलग अलग बीमारियां, जैसे हड्डियों का रोग और कई बीमारियां आती हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए सोयाबीन का सेवन करना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद जी।